बिहार विधानसभा के शीतकाल का सत्र का आज आखिरी दिन, कार्यवाही शुरू होते ही बवाल, 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित। स्पीकर के कक्ष के बाहर मांझी के साथ जुटे एनडीए के विधायक नीतीश के बयान का विरोध। सदर पक्ष की तरफ से जवाबी हंगामा, पोस्टर बैनर के साथ आए विधायक। बवाल के बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए विधानसभा, हंगामे के बीच में अपने चैंबर में गए। स्पीकर ने मार्शल को बुलाया, प्लाकार्ड लेने का आदेश दिया गया। कांग्रेस में हिंदू वोट बैंक के लिए बीजेपी में मची होड़, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान कि सिर्फ बीजेपी ने क्या हिंदुओं का ठेका ले रखा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इंदौर में दिया था बयान, 13 साल जंगल में रहे थे भगवान राम। प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान पर हिमंता बिस्वा सरमा का बयान कि सोनिया गांधी ने नहीं पढ़े रामायण। मध्य प्रदेश के हरदा में स्मृति ईरानी की जनसभा, कहा कि धनतेरस है और सास्कार है फोन, मामा और मोदी के लिए मांग रही है वोट, सफाई कौन करेगा। जनसभा में स्मृति ईरानी ने राम मंदिर का भी जिक्र किया, कहा कि 500 साल का इंतजार हुआ खत्म। दिल्ली में बारिश के बाद हवा की गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार, कई इलाकों में AQI 100 के करीब। दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की आज अहम सुनवाई, केजरीवाल सरकार ने पेश किया हलफनामा। प्रतिबंधित वाहनों की जांच के लिए सड़कों पर उतरे दिल्ली सरकार के मंत्री। सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत के बावजूद पंजाब में पराली जलाने पर पूरा अंकुश नहीं। पंजाब में पुलिस किसानों को समझाती दिखाई दी, पराली जलाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला। जम्मू कश्मीर गुलमर्ग और सोनमर्ग में भारी बर्फबारी, हर तरफ बिछी सफेद बर्फ की चादर। तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश, तिरुवरूर जिले में बंद किए गए स्कूल और कॉलेज। भारी बारिश से मदुरई पानी सामने आई ड्रोन कैमरे की तस्वीरें। हावड़ा में गोदाम में लगी भीषण आग, 10 दमकल गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू, लाखों का नुकसान। मुंबई में बांद्रा वर्ली सीलिंग पर हादसा, 3 लोगों की हुई मौत। देहरादून में दिन दहाड़े बदमाशों ने रिलायंस ज्वेलरी शोरूम को लूटा, वारदात सीसीटीवी में कैद। एमपी के विदिशा में भारत माता कॉन्वेंट स्कूल में जय श्री राम के लगे नारे, टीचर ने छात्र को पीटा, एबीवीपी का स्कूल में हंगामा। देवघर में छत से पहले अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत चला प्रशासन का बुलडोजर, दुकानदारों से सहयोग की अपील। धनतेरस का पर्व, आज सज उठे बाजार, दुकानों पर लक्ष्मी गणेश और बर्तनों को खरीदने के लिए उमड़ी भीड़। लखनऊ में दिवाली पर माटी कला उत्सव में मेले का आयोजन, पूरे उत्तर प्रदेश के कलाकारों की कला की नुमाइश।